सलमान का मुख्यमंत्री योगी के पास जाना और रुमाना का दरगाह आला हजरत आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले एक सप्ताह से जमात रजा ए मुस्तफ़ा के उपाध्यक्ष सलमान मियां, कांग्रेस नेता मेहंदी हसन देवरानिया, चेयरमैन हाफिज इकरान की मुख्यमंत्री से गुपचुप मुलाकात को लेकर वायरल फोटो पर जिस मन्नान रजा खान ने लगातार मीडिया को बयान देकर सलमान मियां और उनके साथ गए लोगों पर लाहौल पड़ने का हुक्म दिया था, न जाने वो कौन सी वजह थी कि जिस पर मन्नानी मियां ने अपना बयान वापस ले लिया, इस पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मन्नानी मियां ने मीडिया से कहा था कि भाजपा सेल्यूकर पार्टी नहीं है, इसलिए खानदान है आला हजरत के लोगों को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रुमाना सिद्दीकी के साथ कई भाजपा नेता दरगाह आला हजरत पर हाजिरी देने पहुंचे, जिसको लेकर चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि मन्नानी मियां का नजरिया क्या रहेगा, क्योंकि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष अनीस अंसारी सहित भाजपा नेता हाजिरी देने पहुंचे थे। वहीं रुमाना सिद्दीकी के साथ एक सामाजिक संगठन के नुमाइंदे भी दिखाई दिए। है कि दरगाह पे हाजिरी देनी चाहिए और मैं मेरे शहर में आपके बरेली में जो नगर अध्यक्ष हैं अनीस अंसारी साहब, उन्होंने भी मेरे लिए दुआ मांगी थी कि मैं आयोग में या मैं कहीं सरकार में फिर से रिपीट हूँ, तो मैं फिर से रिपीट हुई थी, तो इनकी भी चाहत थी और एक मेरी भी दिली चाहत थी कि मैं दरगाह पे आके हाजिरी दूँ। इसी ख्वाहिश के उससे जो है मैं दरगाह पे जाने की कोशिश की। आप महिला आयोग में किस पद पर हैं? मैं महिला आयोग में नहीं, मैं अल्पसंख्यक आयोग अच्छा, में हूँ। अल्पसंख्यक आयोग में, तो अल्पसंख्यक होने के वजह से एक ये रहता है कि दरगाह पे भी हाजिरी। तो यहाँ आज जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो विवाद चल रहा है कि यहाँ के सलमान साहब योगी साहब से मिलने गए थे, तो काफ़ी विवाद था, तो आप भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं? देखिए, हमारा इसमें तो कोई बात नहीं है कि अगर सलमान साहब गए हैं मिलने, ये मुझे नहीं मालूम उनकी क्या ख्वाहिश रही होगी उनका मिलना। और हमारे प्रदेश के चीफ हैं और उनसे मिलना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसलिए अगर सलमान साहब अपनी कोई भी बात के लिए या रखने गए हों तो मिलना जुलना कोई बुरा नहीं है। वो उनका आपसी घर का कोई मसला होगा जो विवाद में रहा होगा, और शायद मेरे ख्याल में शायद उन्होंने माफ़ी मांगते हुए शायद एक लेटर भी इश्यू करा।